तो इन दोनों राउटर्स के इंटरनेट स्पीड में जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए AS Uncertain चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इसी तरह की और टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके TP-Link 4G सिम राउटर सेगमेंट का सबसे बेहतरीन कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं, जो कि MR200 और MR600 का है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों में सभी लोग का बजट अलाउ नहीं करता है कि हम MR600 पे जाएं। तो इस केस में आप MR6400 और MR200 में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा राउटर परचेज करना चाहिए। बजट फ्रेंडली हमारा MR6400 राउटर हमें लेना चाहिए या फिर 1000 रुपीज और दे करके हमें MR200 पे जाना चाहिए? तो ये काफ़ी कमाल की कंपैरिजन वीडियो होने वाली है और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि इस कंपैरिजन वीडियो को देखने के बाद आपको इन दोनों राउटर की कोई अदर कंपैरिजन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम दोनों का डिटेल कंपैरिजन करेंगे और अनकट स्पीड टेस्ट भी चेक करेंगे कि दोनों की इंटरनेट स्पीड में कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल AS Invention। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको इन दोनों राउटर्स के बैक पैनल से चेक करा देता हूँ कि दोनों कौन से राउटर हैं। तो आप देख सकते हैं, जो हमारा लेफ्ट साइड वाला ये हमारा MR200 राउटर है और जो हमारा राइट साइड में रखा हुआ ये हमारा MR6400 राउटर है। अगर अभी तक आपने इन दोनों राउटर्स की अनबॉक्सिंग एंड अनकट स्पीड टेस्ट वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। और हाँ, अगर इसमें से आपको किसी भी राउटर को परचेज करना है तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इन राउटर्स को परचेज कर सकते हैं। इन दोनों के स्पीड टेस्ट कंपेरिजन में हम एयरटेल का सिम यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा एयरटेल का सिम है। सबसे पहले हम MR200 में इस सिम को इंसर्ट करेंगे। तो आपको हम पहले MR200 की स्पीड टेस्ट करके दिखाएंगे, उसके बाद फिर आपको हम MR6400 के भी चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए अब हम MR200 में सिम को इंसर्ट कर लेते हैं। तो अभी हमने अपने MR200 में सिम को इंसर्ट कर दिया है, तो चलिए अभी इसकी पावर सप्लाई को ऑन करते हैं और अपने लैपटॉप को MR200 राउटर से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे राउटर ऑन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अभी हमारा राउटर प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है और आपको मैं चेक भी करा देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि राउटर में इंटरनेट, वाईफाई एंड नेटवर्क सारी सिंबल यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो चलिए अब अपने लैपटॉप को राउटर से कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो MR200 राउटर है इसमें आपको 2.4 GHz एंड 5 GHz दोनों ही टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड की जाती है, जबकि हमारे MR6400 में केवल 2.4 GHz टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे अपने लैपटॉप को MR200 के 5 GHz टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा लैपटॉप MR200 के 5 GHz टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम राउटर का कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन करके भी आपको चेक करा देते हैं कि कौन से राउटर से हमारा लैपटॉप कनेक्ट है इस टाइम पे। राउटर कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा लैपटॉप MR200 राउटर से ही कनेक्टेड है और इसमें एयरटेल का सिम लगा हुआ है। अब मैं आपको इसके नेटवर्क सेटिंग में भी जाके चेक करा देता हूँ कि हमने इस राउटर में कोई भी बैंड लॉकिंग नहीं की हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने राउटर में कोई भी बैंड लॉकिंग नहीं की हुई है, यहाँ पे ऑटो पे सिलेक्ट है। तो चलिए अब MR200 के हम स्पीड टेस्ट कर लेते हैं और स्पीड टेस्ट के लिए हम ओकला का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MR200 के फर्स्ट राउंड में जो डाउनलोड स्पीड आई है वो 9.86 Mbps है और अपलोड स्पीड 0.29 Mbps है और वहीं भी पिंग 45 ms की है। तो चलिए एक बार फिर से सेकंड राउंड में हम इसकी स्पीड टेस्ट कर लेते हैं और दोनों राउंड में जो बेस्ट स्पीड रहेगी उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो सेकंड राउंड में हमारे MR200 की डाउनलोड स्पीड 11.28 Mbps आई है, वहीं पे अपलोड स्पीड 0.53 Mbps आई है और पिंग 26 ms की आई है। तो सेकंड राउंड की स्पीड टेस्ट हमारी फर्स्ट राउंड से ज़्यादा बेटर है, इसलिए हम सेकंड राउंड को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। एक बार दोबारा से भी हम आपको राउटर के कॉन्फ़िगरेशन पेज में जाकर चेक करा देते हैं कि जब हमने राउटर की इंटरनेट स्पीड को चेक किया है उस टाइम पे हमारा लैपटॉप MR200 राउटर से ही कनेक्ट था।
तो चलिए अब इसी सेम सिम को हम अपने MR6400 राउटर में लगा चेक करते हैं कि हमें MR6400 में कैसी इंटरनेट स्पीड देखने को मिलती है। और हाँ, इस पूरी वीडियो को हम अनकट रख रहे हैं जिससे कि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट ना रह जाए। तो अभी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि हमने एयरटेल का सिम अपने MR200 राउटर से निकाल लिया है। तो चलिए अब इसे हम अपने MR6400 राउटर में इंसर्ट कर लेते हैं। तो अभी हमने MR6400 राउटर में अपने एयरटेल के सिम को इंसर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा राउटर ऑन होने में टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ जैसे कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो अभी हमारा राउटर इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है और आपको मैं ये चीज़ चेक भी करा दे रहा हूँ कि MR6400 राउटर हमारे इंटरनेट, वाईफाई एंड नेटवर्क तीनों के ही सिंबल यहाँ पे शो हो रहे हैं। और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि अभी हमने अपने लैपटॉप को MR6400 राउटर से कनेक्ट कर दिया है। चलिए राउटर का कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन करके भी आपको मैं चेक करा देता हूँ कि अभी हमारा लैपटॉप किस राउटर से कनेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारा लैपटॉप MR6400 राउटर से ही कनेक्ट है और एयरटेल का सिम लगा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा MR200 राउटर है उसमें आपको 5 GHz एंड 2.4 GHz दोनों ही टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है, जबकि जो हमारा MR6400 राउटर है इसमें आपको केवल 2.4 GHz टेक्नोलॉजी ही प्रोवाइड की जाती है। इसलिए यहाँ पे हमारा लैपटॉप 2.4 GHz टेक्नोलॉजी से ही कनेक्ट है। और नेटवर्क सेटिंग में भी जाके मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ कि हमने इस राउटर में कोई भी बैंड लॉकिंग नहीं की हुई है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि ऑटो पे सिलेक्ट है। तो चलिए इस राउटर की भी हम स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। स्पीड टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे ओकला का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड में जो हमारे MR6400 की डाउनलोड स्पीड आई है वो 5.64 Mbps है, वहीं पे अपलोड स्पीड 0.56 Mbps है और पिंग 29 ms की है। तो MR200 और 6400 में जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जबकि हमने इसे सेम टाइम पे, सेम प्लेस पे और सेम सिम पे टेस्ट किया है। तो चलिए सेकेंड राउंड में भी हम MR6400 की इंटरनेट स्पीड चेक कर लेते हैं और इन दोनों में जो बेस्ट स्पीड रहेगी उसी को हम कंसिडर करेंगे। तो सेकेंड राउंड में जो हमारे MR6400 की डाउनलोड स्पीड है वो 6.14 Mbps है, वहीं पे अपलोड स्पीड 0.71 Mbps है और पिंग 79 ms की है। तो इन दोनों राउंड में सबसे बेस्ट यही है, इसलिए इसी इंटरनेट स्पीड को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो इन दोनों राउटर्स के इंटरनेट स्पीड में जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये टाइम टू टाइम वेरी कर सकता है, लेकिन आपको MR200 में MR6400 से बेटर ही इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला हमें MR6400 और MR200 की इंटरनेट स्पीड में। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हमने MR6400 की अनबॉक्सिंग एंड सेटअप वीडियो बनाई थी तो क्यों हमने आपसे कहा था कि 1000 rupees और देकर के आप MR200 परचेज करें, क्योंकि इतना पे करके हमें MR200 लेना वर्थ है। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी राउटर को परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप किसी भी राउटर को परचेज कर सकते हैं। आशा करते हैं ये कंपैरिजन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उसके बगल में आ रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।